हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई थ्रिलर और मिस्ट्री किलर मूवी सर्चिंग के बारे में। दोस्तों, इस मूवी की प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक है। आपको लगेगा पूरी मूवी डेस्कटॉप और मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर चल रही है। इसके साथ ही फिल्म की स्टोरी लाइन बिल्कुल ही सस्पेंसफुल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है डेविड और उसकी फैमिली से, जिसमें उसकी वाइफ पमेला और उसकी बेटी मार्गोट है। मार्गोट का पूरा बचपन अपनी मॉम के साथ पियानो सीखते हुए और अपने डैड के साथ मस्ती करते हुए निकलता है। कुछ सालों बाद पमेला को एक लाइफोमा नाम की बीमारी होती है, जिस कारण वो अपनी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब डेविड अपनी बेटी के साथ आगे की लाइफ बिताता है, जहाँ वो अपनी बेटी को लेकर थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है और उसे बहुत प्यार करता है। नॉर्मल डेज की तरह ही डेविड मार्गोट से चैट करता है और उसे वीडियो कॉल कर पूछता है कि वो घर कब आएगी। मार्गोट अपने डैड से कहती है कि आज पूरी रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करेगी और आज रात वो घर नहीं आएगी। बिना अपने डैड की बात सुने कॉल को कट कर देती है। दोस्तों, मार्गोट अपनी माँ के चले जाने के बाद अपने डैड से पहले की तरह कनेक्ट नहीं रहती और हमेशा सिर्फ अपनी सोशल लाइफ में बिजी रहती है। कुछ देर बाद उसके छोटे भाई पीटर का वीडियो कॉल आता है। पीटर एक ड्रग एडिक्ट है। डेविड को अपने छोटे भाई की नशे की लत बिल्कुल पसंद नहीं है। डेविड अपने भाई से थोड़ी देर बात करता है और फिर सोने चले जाता है। रात को मार्गोट की 3 कॉल आती हैं, जो डेविड अटेंड नहीं कर पाता। सुबह डेविड अपनी बेटी की मिस कॉल देखता है और उसे कॉल बैक करता है, लेकिन मार्गोट कॉल नहीं उठाती है। डेविड अपने ऑफिस में अपनी बेटी को कई टेक्स्ट भेजता है और उसे लगता है कि मार्गोट उससे नाराज है, जिस कारण वो उसे रिप्लाई नहीं कर रही है। तभी उसे याद आता है आज तो फ्राइडे है और हर फ्राइडे मार्गोट अपने पियानो लेसन के लिए जाती है। शायद इसलिए मार्गोट अपने डैड को कॉल अटेंड नहीं कर पा रही है। डेविड मार्गोट की पियानो टीचर को फोन करता है और वो डेविड को बताती है कि मार्गोट ने 6 महीने पहले ही क्लास छोड़ दी है। लेकिन डेविड मार्गोट को हर महीने पियानो के लेसन के लिए फीस देता है और वो अपने पुराने मैसेज चेक करता है, जहां पर मार्गोट के रिप्लाई ऐसे ही हैं कि वो अपने पियानो लेसन के लिए रेगुलर जा रही हो। डेविड मार्गोट के एक दोस्त आइसैक को फोन करता है। नेक्स्ट साइड से आइसैक की मॉम फोन उठाती है और कहती है कि वो सब कैंपिंग के लिए पहाड़ की तरफ गए हैं, शायद मार्गोट भी उन्हीं के साथ होगी। इवनिंग में आइसैक का कॉल डेविड के पास आता है। वो बताता है कि मार्गोट तो हमारे साथ आई नहीं थी। हम सब ने प्लान तो बनाया था साथ जाने का, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारे साथ नहीं आई और उसने हमारा फोन भी नहीं उठाया था। इस बात को सुनकर डेविड थोड़ा टेंशन में आ जाता है और पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन की कंप्लेन कर देता है। डेविड की बेटी मार्गोट का मिसिंग केस डिटेक्टिव रोज मैरी विक को मिलता है। डेविड डिटेक्टिव विक की प्रोफाइल, लॉग एक्सेट्रा सब देखता है, जहां वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। डेविड को भरोसा हो जाता है कि विक उसकी बेटी को जरूर ढूंढ लेगी। विक उसे मार्गोट से रिलेटेड सारी बातें पूछती है। डेविड अब परेशान है। तभी उसे मार्गोट का लैपटॉप दिखता है। वहां से डेविड मार्गोट के सारे सोशल नेटवर्किंग अकाउंट एक्सेस करता है और उसके सारे फेसबुक फ्रेंड्स को कॉल कर मार्गोट के बारे में पूछता है। मार्गोट के सारे चैट देखता है ताकि उससे कुछ पता चल सके। सारे दोस्तों की बातें सुनकर डेविड को पता चलता है कि उसकी बेटी मार्गोट कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो सभी सिर्फ उसके सोशल नेटवर्किंग फ्रेंड्स थे। डेविड को मार्गोट का ऐसा नेचर इससे पहले नहीं पता था। डेविड को मार्गोट के साथ नए स्टडी ग्रुप में पढ़ने वाली एक दोस्त का नंबर मिलता है। वो बताती है कि स्टडी ग्रुप बस रात 9 बजे तक ही चला था, फिर वो वहां से चली गई थी। तभी विक डेविड को एक सीसीटीवी की फुटेज मेल करती है, जिस क्लिप में मार्गोट एक कार में पेट्रोल पंप से निकलती है और हाईवे नंबर 152 की तरफ चली जाती है। लास्ट टाइम उसकी लोकेशन इसी हाईवे पर थी। डेविड को याद आता है कि वो अपनी बेटी को हर हफ्ते पियानो लेसन की फीस के लिए $100 देता था और वो मार्गोट का बैंक अकाउंट चेक करता है, जहां पर वो हर हफ्ते अपने पियानो लेसन की फीस अपने अकाउंट में जमा कर रही थी। और कुछ दिनों पहले ही उसने $2,500 किसी वेनमो अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। डेविड उस अकाउंट को चेक करता है तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। डेविड अपनी बेटी के इस बिहेवियर को समझ नहीं पाता कि क्यों उसने पियानो क्लास छोड़ी, क्यों वो इतने पैसे जमा कर रही थी और किसको $2,500 ट्रांसफर किए हैं। तभी विक डेविड को किसी रैकेल जॉन का ड्राइविंग लाइसेंस मेल करती है। वो और उसे देखकर शॉक हो जाता है कि उस ड्राइविंग लाइसेंस पर मार्गोट की फोटो होती है। विक डेविड को बताती है कि उसने लास्ट टाइम किसी वेनमो अकाउंट में $2,500 ट्रांसफर किए थे, जो अकाउंट अब डीएक्टिवेट हो चुका है। जब विक ने वेनमो सिक्योरिटी से इसकी जांच करवाई तो उसे पता चला कि यह अकाउंट भी मार्गो का ही था। डेविड कहता है कि उसने ही फेक आईडी बनवाई और खुद को ही पैसे भेजे, इन सब का क्या मतलब बनता है। विक कहती है कि इन सब का तो बस एक ही मतलब बनता है कि शायद वो यहाँ से भाग चुकी है। डेविड कहता है कि ऐसा है तो उसने मुझे रात को 3 बार फोन क्यों करा था, और वो ये सब नहीं कर सकती है, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है।
डेविड मार्गोट के ब्राउजिंग हिस्ट्री देखता है, जहाँ पर मोस्ट विजिटेड साइट में यूकास्ट नाउ करके कोई वीडियो स्ट्रीमिंग साइट है। उस साइट पर मार्गोट ने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। इन सब वीडियो से मार्गोट का रियल नेचर डेविड को पता चलता है और वो देखता है कि मार्गो फिश एंड चिप्स नाम के किसी यूजर से ज्यादा बात करती थी। डेविड विक को इस वीडियो स्ट्रीमिंग साइट के बारे में बताता है। विक बताती है कि उसने यूकास्ट नाउ के सारे यूजर की इन्वेस्टिगेशन करी है, लेकिन उनमें से किसी का भी हाथ नहीं है मार्गोट के गायब होने में, फिश एंड चिप्स का भी नहीं। उसने फिश एंड चिप्स की सारी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज देखी है। मार्गोट जिस दिन गायब हुई उस दिन वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। डेविड धीरे धीरे उम्मीद हार चुका है अपनी बेटी के मिलने की। तभी उसे मार्गो की एक पिक नजर आती है जो किसी लेक की है। वो लेक उसकी कई फोटोज और वीडियो में कॉमन है। उसे पता चलता है कि ये कोई बारबोसा लेक है जो मार्गोट के लास्ट सीन हाईवे नंबर 152 से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। और ये बात विक को बताता है। विक और उसकी टीम लेक के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। उन्हें मार्गोट की वो कार मिल जाती है जो सीसीटीवी फुटेज में विक और डेविड ने देखी थी। उस कार में मार्गोट नहीं है। कार के डैशबोर्ड पर $2,500 बिखरे हुए हैं। विक अनाउंस करती है कि मार्गोट का अब कोई मिसिंग केस नहीं है, अब ये एक किडनैपिंग केस बन चुका है। और उस लेक के आसपास कई वॉलंटियर्स तलाशी शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि शायद मार्गोट मिल जाए। विक और उसकी टीम लेक के आसपास के छोटे से खतरनाक हिस्से को छोड़कर सब जगह तलाश कर चुकी है, लेकिन उन सब मार्गोट का कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट डे बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिस वजह से उस दिन कोई सर्चिंग नहीं हो पाती। और धीरे धीरे सोशल साइट्स पर एक मुहिम छिड़ जाती है, #FindMargot। कई दिन बीतने के बाद मार्गोट नहीं मिलती, जिससे कई लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है। डेविड को किसी मेमोरियल वन का मेल आता है। ये कोई फ्यूनरल लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस है जो डेविड को ऑफर कर रही है कि वो मार्गोट की वेल विशेस के लिए कोई सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराए। डेविड कहता है कि वो अभी जिंदा है। और डेविड उस कार की सारी पिक्स दोबारा देखता है। उसका ध्यान कार में पड़ी एक जैकेट की तरफ जाता है जिस पर एक लोगो है, उस पर फिंस लिखा हुआ है। तभी डेविड अपने छोटे भाई पीटर की आईडी चेक करता है। उसकी प्रोफाइल पिक पर भी जो पीटर ने टी शर्ट पहन रखी है उसमें भी सेम वैसा ही लोगो है। और डेविड अपनी बेटी की आईडी खोलकर पीटर और मार्गोट की कन्वर्सेशन देखता है, जहां उसे पता चलता है कि मार्गोट पीटर से कई बार मिल रही थी और वो दोनों ऐसा कुछ कर रहे थे जो वो डेविड को नहीं बताना चाहते थे। इससे डेविड को अपने भाई पीटर पर शक होता है कि कहीं मार्गोट के गायब होने में उसका तो कोई हाथ नहीं। और सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने भाई के घर जाता है। वो पीटर के घर में हिडन कैमरा लगा देता है ताकि वो अपने भाई के सारे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सके। वो अपने भाई से पूछता है कि तुम मार्गोट से कब कब मिले थे और वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। जब तक पीटर अपनी सफाई में कुछ कहे, डेविड उसका गला पकड़ लेता है। पीटर उसे पीछे धकेलता है और कहता है कि हम बस साथ में वीड पीते थे और वो मुझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है वो सब बातें बताया करती थी। डेविड कहता है कि क्यों, ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बताती थी मेरी बेटी। पीटर कहता है कि तुमने कभी उससे कुछ पूछा ही नहीं, पैम के जाने के बाद तुमने उससे बात करना ही छोड़ दिया था। तभी डेविड के पास विक की कॉल आती है कि उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया है। वो एक साइको किलर है जिसका नाम है रैंडी कार्टॉफ, जिसने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें उसने कन्फेस किया है कि उसने ही मार्गोट को मारा है। और कन्फेशन के बाद उस किलर ने सुसाइड कमिट कर लिया और इस तरह मार्गोट किडनैपिंग केस क्लोज हो जाता है। डेविड अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि बिना किसी कारण के कोई उसकी बेटी को क्यों मारेगा। और अचानक ऐसा कन्फेशन, उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन वो अपनी बेटी की सारी पिक्स और वीडियो मेमोरियल वन की वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। तभी डेविड को वेबसाइट पर एक पिक नजर आती है। वो पिक यूकास्ट नाउ के यूजर फिश एंड चिप्स की प्रोफाइल पिक से मैच होती है। और जब वो पिक को इंटरनेट पर सर्च करता है तो वो एक स्टॉक इमेज है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। तभी उसे विक की बात याद आती है कि विक ने उसे ये बताया कि वो फिश एंड चिप्स को इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, जबकि अगर कोई ऐसी लड़की है ही नहीं तो उसने किसको इन्वेस्टिगेट किया है। और वो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विक को फोन करता है, लेकिन उसका फोन कोई और ऑफिसर उठाता है। डेविड को उस ऑफिसर से पता चलता है कि विक ने ही जानबूझकर ये केस खुद अपने अंडर में लिया था। उसे ये सब बातें जानकर विक पर शक होता है। वो फिर से विक की प्रोफाइल, ब्लॉग एक्सेट्रा सब चेक करता है। वहां पर डेविड को एक पिक दिखाई देती है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। उस ग्रुप फोटो में विक के पीछे जो आदमी खड़ा है वो वही आदमी है जिसने मार्गोट के मर्डर का इंजाम अपने सर पर लिया है और सुसाइड कर लिया है। फिश एंड चिप्स से झूठी इन्वेस्टिगेशन, मार्गोट का केस खुद लेना, उस बंदे के साथ कनेक्शन होना जो अचानक ही कन्फेस कर देता है कि उसने मार्गोट का मर्डर किया है, ये सारी बातें विक के खिलाफ थी और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है।
विक से पूछताछ करी जाती है कि उसने मार्गट को क्यों मारा है, और अगर नहीं मारा है तो केस का रुख ऐसी साइट पर क्यों रखा है जहां से असली मुजरिम को कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता है। विक ऑफिसर को सारी बात बताती है। उस रात उसके बेटे रॉबर्ट का विक को फोन आया था। वो कह रहा था कि उसने गलती से एक लड़की को खाई में गिरा दिया है। असल में रॉबर्ट मार्गट को पसंद करता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं मार्गट क्लासमेट्स के सामने उसकी इंसल्ट न कर दे, इसलिए उसने फिश एंड चिप्स की एक फेक आईडी बनाई और मार्गट से बात करने लगा। और रॉबर्ट ने एक झूठी कहानी मार्गट को बताई कि उसकी मॉम बीमार है और उसे उनके इलाज की जरूरत के लिए पैसों की जरूरत है। ये झूठी कहानी बस उसने इसलिए बनाई थी कि ताकि वो मार्गट से ज्यादा रिलेट कर पाए, क्योंकि मार्गट ने भी अपनी लाइफ में ये फेस देख रखा था। मार्गट रॉबर्ट के फेक वेनमो अकाउंट में $2,500 ट्रांसफर कर देती है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। जब रॉबर्ट को इस ट्रांजैक्शन का पता चलता है तो वो उसी रात मार्गट का पीछा करता है ताकि वो उसे पैसे वापस लौटा सके। मार्गट रात को बरबोसा लेके इसलिए चली जाती है ताकि वो रात भर कार में अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर सके। तभी रॉबर्ट सडनली उसके पास आता है और मार्गट रॉबर्ट से डरकर भागती है और भागते हुए अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसके डैड कॉल अटेंड नहीं कर पाते। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गट उसे मारती है, चिल्लाती है, जिसके रिएक्ट में रॉबर्ट उसे धक्का दे देता है और वो खाई में गिर जाती है, जिससे डरकर वो अपनी मॉम मिस डैड विक को फोन करता है। वो उसे घर बुला लेती है। सबसे पहले वो कार को लेक में डालती है, फिर केस को अपने अंडर में लेती है और डेविड को कन्विंस करती है कि उसकी बेटी भाग चुकी है। लेकिन जब डेविड नहीं मानता कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, तो लास्ट में एक फेक कन्फेशन से वो अपने बेटे को सेव करने का ट्राई करती है। लेकिन सच कभी नहीं छुपता, आज नहीं तो कल सबके सामने आ जाता है। और ऐसा ही हुआ रोजमेरी फेक के साथ। उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे ऑफिसर और डेविड विक की बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं और मार्गट को ढूंढने के लिए, और आखिरकार उन सबको मार्गट मिल जाती है। दोस्तों अभी तक जिंदा है। वो खाई में कहीं नीचे गिर गई थी, लेकिन मरी नहीं थी। ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो कई दिनों तक वहीं पर फंसी हुई थी। इसके साथ ही आप सबको याद होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दूसरे दिन ही बारिश हो गई थी, जिसके पानी की वजह से वो कई हफ्तों तक जिंदा रही। मार्गट का इलाज होता है और वो अपने डैड के साथ बहुत खुश होकर अपनी लाइफ जीती है। तो दोस्तों इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।